अस्सलाम वालेकुम जी कहते हैं कि जब तक कोई शय अपनी हस्ती को फना नहीं करती, जब तक कोई शय अपनी हस्ती को फना नहीं करती तब तक वो शय किसी दूसरी चीज़ में जज़्ब नहीं हो सकती। जैसे ही वो अपनी हस्ती को फना करेगी तो वो कोई और शक्ल अख्तियार कर लेगी। जैसे एक कैटरपिलर होता है ना, कीड़ा होता है, कीड़ा वो एक टाइम के बाद तितली की शक्ल अख्तियार कर लेता है, लेकिन उसको अपनी हस्ती में फना होना पड़ता है, फिर उसमें से तितली निकलती है। आपको अपनी हस्ती को फना करना पड़ेगा अगर आप कुछ अच्छा बनना चाहते हैं, वरना आप ऐसे ही रह जाएंगे सारी जिंदगी। थैंक यू।